to any particular organization or individual here in Abu Dhabi. The world has changed and Abu Dhabi has moved with it. हेलो कैसा है तो गोड़ तो थारे मांगर जाहिर अरे मैं पढ़ रहा था एट्थ क्लास पास किया फिर मेरे को जची कि मैं कुछ काम करूं क्योंकि फाइनेंशियल हालत भी घर की अच्छी नहीं थी तो सोचा कि मैं अभी बाहर जाऊं कहीं धंधा सीखूं और ये हमारा पेरेंटल धंधा था कारपेंट्री तो सोचा कि यही धंधा करेंगे तो मैं आ गया जयपुर 1971 में प्रताप टिम्बर मार्ट करके एक यहाँ पे फर्नीचर फैक्ट्री थी उसमें हमने अपना काम शुरू किया ठीक है उसके बाद में फिर कंटिन्यू करीबन 4 साल उधर ही काम किया हमने बॉम्बे में मैंने यही जब तक मैं काम सीख गया था फिर बॉम्बे में मैं अपना यही कारपेंटरी का ही काम करते रहा कोई कॉन्ट्रैक्टर के पास नहीं काम किया तो अच्छा कारीगर भी बन गया लगभग अच्छा खासा तो फिर वहाँ काम करते करते 1978 में न्यूज़ में एड आई नव भारत टाइम्स में कि कारपेंटर्स की रिक्वायरमेंट है दुबई के लिए तो मैं सोचा चलो ट्राई करते तो हम गए वहाँ पे जहाँ पे ऑफिस थी नरीमन पॉइंट में तो वहाँ पे गए तो इंटरव्यू दिया हमारे कार्तिक पकवासा करके थे फैक्ट्री मैनेजर जो दुबई में थे वो आए थे तो उन्होंने इंटरव्यू लिया तो मेरे को बोला तेरे को शारजा भेजेंगे काफ़ी लोग गए थे यमन वगैरह भी तो मुझे बोला तेरे को शारजा भेजेंगे मैं ठीक है मेरे को तो शारजा यमन सब एक ही है तो हम लोग को शारजा भेज दिया फिर 24 अगस्त 1978 को हम दोपहर की फ्लाइट थे हम लोग गए इजिप्ट एयर थी हम जब फर्स्ट में गए थे तो हमको ऐसा लगा कि शायद हम लोग यहाँ नहीं टिक पाएंगे इतनी तो गर्मी थी फिर हम लोग साइट पे हमको भेज दिया खुरफा खान हॉलीडे इन होटल वहाँ पे काम करते रहे और हम लोग को रहने के लिए एकोमोडेशन ऐसा था प्लाईवुड के कमरे थे सब प्लाईवुड लगा हुआ था चारों बाजू नीचे खाली फ्लोर होता था इसका सीमेंट का बाकी सब वुडन पार्टीशन सब सीलिंग में पंखे इतनी गर्मी के अंदर पंखों में क्या हाल होता होगा आप समझिए हम लोग फिर रात को क्या करते थे समुद्र किनारे ही थी होटल समुद्र किनारे थी तो हम लोग जब छुट्टी होती थी सीधे समुद्र में जाते थे वहाँ पे नहाते थे और फिर खाना वाना भी हम लोग अपने रूम में ही बनाते थे उसी में ही उस टाइम में ये गैस वगैरह ही नहीं थे स्टोव से हवा भर के वो स्टोव चलाते थे केरोसिन आता था हम लोग उससे काम चलाते थे और फिर रात को क्या करते थे उधर जाके सो जाते थे सी साइड में तो वहाँ थोड़ा ठंडा रहता था समुद्र क्या नीचे भीगा हुआ रहता था ना ज़मीन तो उधर जाके सोते थे कभी कभी पानी की चढ़ाई हो जाती थी पानी भी ऊपर चढ़ जाता हमारे कभी बिस्तर भी गीले कर देते ऐसा भी हालात होता था और एक दिन तो हम लोग सोए थे मैं अमराराम ज़्यादा स्पेशली साथ में रहते थे एक गाड़ी वाला आया कोई शायद हमको दबा भी देता तो फिर उसने देख लिया तो ब्रेक मार दी फिर हम भी जाग गए उठ के फिर मेरे को चले गए अभी पता नहीं कोई मार देगा उसके बाद में फिर क्या है वहाँ से होटल का काम पूरा हुआ उसके बाद में हमको वापस भेजा कंपनी में फैक्ट्री में रहे फिर उसके बाद में वहाँ पे जस्टिस बिल्डिंग बन रही थी अबू धाबी में तो उसका पूरे ड्राइंग्स वगैरह मेरे को दिए कि भाई इसका वर्कआउट करो टोटल मटेरियल वगैरह सब ये पूरा फिर वो मैं काम शुरू किया पूरा वही निकाला सब मटेरियल वगैरह फिर धीरे धीरे क्या मेरे को तो प्रमोशन दे ही दिया था कंपनी ने तो उसके बाद एसी के रूम वगैरह भी मिल गए हमको जो उससे तो छुटकारा मिल गया पंखों से एसी रूम में रहते थे थोड़ा धीरे धीरे यानी हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ लाइफ स्टाइल भी थोड़ा चेंज हुआ धीरे धीरे '78 से 1993 तक कंटिन्यू कंपनी में काम कर रहा था तभी मैंने सोचा मैं अपना शुरू करूं ये ख्याल आया तो मैंने नौ कारपेंट्री करके एक कंपनी खोलने का विचार किया और
वो नाम मिला हमको, हमने खोला और उसमें फिर मेरा छोटा भाई वीरमा राम था, एक फूसा राम और अलसा राम, ये तीन लोग को बुला के ये काम शुरू करवाया। धीरे धीरे छोटे मोटे काम करवाता था मैं। तो उसके बाद में फिर मैं 96 तक वहाँ पे कंपनी में रहा, और 96 में फिर मैं वो कंपनी छोड़ के, मैं टचूट छोड़ के यहाँ पे आ गया। उसके बाद में फिर ये तुलसा आया, तुलसा के बाद में फिर लाला ने यहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट किया तो ये आया, फिर इन्होंने सब बिजनेस संभाला धीरे धीरे। तो मैंने एक छोटी कारपेंट्री और थी, वो मैंने टेक ओवर किया था वहाँ से, 5-6 आदमी उसमें थे। फिर हमारे पास में भी हो गए थे 6-7 आदमी, 15-20 आदमी हो गए टोटल करके। फिर एक और दूसरी कंपनी थी, वो भी अक्वायर किया, दाना फर्नीचर करके था, वो भी हमने लिया, उसमें भी 10-15 आदमी थे। तो ऐसे करके धीरे धीरे इंक्रीज़ होता गया हमारा, यानी स्टाफ भी बढ़ता गया और काम भी बढ़ता रहा। उसके बाद में धीरे धीरे और कंपनियाँ बनाते गए, भी आज के टाइम में समझो 10-12 फॉर्म से अपनी पेंट की है, फिर रेस्टोरेंट है, स्टील है, एडवर्टाइजिंग, मार्बल, ट्रेडिंग, हार्डवेयर, विनियरिंग, बहुत सारी है। तो 2007 में मैंने ये सोच लिया कि अभी मेरे से तो होता नहीं है, मेरा हेल्थ पॉइंट के हिसाब से मैं सोचा अभी ये लोग करेंगे, और मुझे भी यकीन हो गया कि ये लोग अपने आप संभालेंगे। तो उसके बाद में फिर मैं यहाँ आया, और यहाँ पे आके इंडिया में मैंने अपना हेल्थ का तो करवाया ही, उसके बाद में मैं अपना गाँव में देखता था, खेती बाड़ी भी देखता है, वहाँ पर फार्म भी है, वहाँ पर यानी एग्रीकल्चर का सब करवाता हूँ। फिर मंदिर बनवाने थे, एक दो मंदिर का काम करवाया, एक विश्वकर्मा मंदिर बनवाया अपने गांव में, तो समाज को समर्पित किया वो बना के, और ऐसे बस सोशल वर्क ही करते रहता हूँ यहाँ पे, और आराम से बैठा रहता हूँ बच्चों के साथ में, बस खेलते रहते हैं बच्चे, मैं भी खुश हूँ, सब खुश है, बहुत बढ़िया है। जिंदगी की राह इतनी आसान नहीं होती है। मेरे जन्म से भी पहले मेरे पिताश्री यहाँ पे आए, और जिन्होंने इतना सारा कष्ट के साथ में, इतनी परेशानियों के साथ में जो स्टार्टिंग में काम किया, उनकी बदौलत आज हम यहाँ पे खड़े हैं। इतना आसान नहीं लगता, जब हर एक को लगता है कि बहुत इजी है, बहुत आसानी से इन्होंने कर लिया, कुछ मेहनत नहीं लगी होगी, पर डेफिनेटली हमने कोई इतनी मेहनत नहीं करी है, पर जो पिताजी पहले आए उन्होंने इतनी मेहनत करी, उसी की वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया। स्टार्टिंग में जब वो आए तब इतनी सारी गर्मियाँ पड़ती थी, एसी भी नहीं हुआ करते थे, समुद्र के किनारे पे सोकर के रातें गुजारते थे, वो एक समय था। अभी तो बहुत कुछ आसान है, सब कुछ इजीली मिल जाता है, इतनी सुख सुविधाएं हो गई है, तो अब इसको बढ़ाना बहुत आसान है। जो पहले जब उन्होंने चालू किया था तब एक छोटे से एक नोफ कारपेंट्री के नाम से चालू किया, उसके बाद में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, कभी नीचे तो नहीं गए डेफिनेटली, धीरे धीरे इसमें विस्तार होता गया, और आज की तारीख में भगवान की कृपा से और प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, और अपन ने इतने सारी कंपनियां और धीरे धीरे करके इस बिज़नेस को बढ़ाया है। उसमें आप सभी जितने भी बैठे हुए लोग हैं उन सब का भी बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत ही कठिन परिश्रम करके हम लोग धीरे धीरे कंपनी को बढ़ाते गए, और आज नो फर्नीचर इंडस्ट्री से चालू होके मल्टीपल कंपनियां हमने इसमें ऐड की है, और जो डैडी जी का जो हार्डवर्क था वो हमें लगा कि आज वो अच्छे से रंग लेके आया है, और वी आर वेरी प्राउड कि पिताजी के कर कमलों से जो चीज़ चालू हुई थी आज वो एक उन्नति की राह पे आगे बढ़ी है ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच। मैं जेठाराम जी का सबसे छोटा पुत्र खुशलाराम सिंह, वो कहते हैं ना चांदी के चमक के साथ पैदा होना, मैं इतना खुश नसीब था, पैदा हुआ
सीधा दुबई आ गया। 2 साल का था जब मैं दुबई आया, तो कष्ट परिश्रम ये मैंने सुना बहुत है, मैंने इतना किया नहीं है, बट पिताजी की मेहनत कष्ट जो उन्होंने झेला है और जो परिश्रम उन्होंने किया है, वो एक कहते ना कि साइकिल का सपना देख के आज बड़ी सी बड़ी गाड़ियों का सपना देखना उन्होंने आसान करवाया। उनकी परिश्रम से ही आज जहां हम हैं वहां हम पहुंच पाए। मैं इतना खुश नसीब हूं, उनके साथ साथ मुझे 2 बड़े भाइयों का सपोर्ट मिला। आज बड़े से बड़ा रिस्क लेना हो, कोई काम करना हो, तो मेरे लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं बड़ा से बड़ा रिस्क ले सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास वो 2 पिलर हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे हर तरीके से उस सपोर्ट करते हैं कि मैं कुछ भी काम करूँ तो उसमें मुझे झिझक नहीं होती, मैं यानी एकदम टेंशन फ्री। और साथ ही साथ मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ जो अपने अपने परिवार वालों को छोड़ के यहाँ बैठे हैं, इस उम्मीद से कि वो हमारे साथ अपनी तरक्की करेंगे, अपनी प्रगति करेंगे। आप सबके होने से ही नौक का परिवार आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। मेरे कंपनी के सारे एम्प्लॉयज से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब अपना ईमानदारी से काम करिए। जैसे कि मैं यहाँ पे आया था यूएई में, तब मैं एज ए कारपेंटर आया था और मैंने धीरे धीरे तरक्की करके मैंने 18 साल कंपनी में सर्विस करने के बाद में भी मैंने ये अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करके आज कितना बड़ा है वो आप सब देख रहे हैं। और सबसे यही कह रहा हूँ कि आप अपने लगन से ईमानदारी से काम करिए, आगे बढ़िए, अच्छा कमाइए और कंपनी का भी इम्प्रूवमेंट करिए, आप अपना भी करिए, उससे ही अच्छा है। और मैं यही आशा रखता हूँ कि आप लोग सब ये बात को आप समझेंगे और करते रहेंगे। सभी सारे स्टाफ को मेरी तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।